आज अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही एक हिस्टोरिक एक ओकेजन है। आज अरुणाचल प्रदेश के जो विधानसभा का रिजल्ट्स आउट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से, और साथ साथ मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। पब्लिक ने उस काम किया हुआ, पार्टी ने जो काम किया है उसको धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में इस राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का यहां में निर्णय जो है वो दे दिया है। तो डेवलपमेंट जिस हिसाब से पिछले 8-10 सालों में जो हुआ है आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया बैकग्राउंड से हैं सभी लोग, और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं अरुणाचल के बाकी क्षेत्र में भी आप लोग ट्रेवल किए होंगे। मैं आप सभी को अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग दोबारा एक बार फिर आप लोग जिन जिन एरियाज में आप लोग ने पिछले 4-5 साल या 8-10 साल पहले गए होंगे इस बार फिर जाके देखिए कि जमीनी स्तर पर क्या डेवलपमेंट वहां पे हुआ है। बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद अपना मोदी साहब ने जिस हिसाब से जो काम किया है, अरुणाचल प्रदेश टोपोग्राफिकली बहुत ही एक चैलेंजिंग एक राज्य है, उसका बावजूद भी यहाँ पे जो 10 साल में जो डेवलपमेंट बीजेपी सरकार ने जो दिया है इट इज वेरी हिस्टोरिक। तो जनता काफी खुश है, अपना यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अरुणाचल और हमारा नॉर्थ ईस्ट के जनता को प्यार करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जनता का प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं, उसको वो एड्रेस करते हैं, तो ये एक अच्छा एक इंडिकेशन है। अभी 4 तारीख में एमपीज का भी काउंटिंग होगा, तो आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता सूरज का भूमि है। तो उगता सूरज का भूमि से भारतीय जनता पार्टी ने एक विजेता हम लोग ने प्राप्त किया है। इसी दिशा में अपना 4 तारीख में भी अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में बनेंगे और अपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3री बार प्रधानमंत्री बनना ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3री बार मोदी जी आ रहे हैं तो 3री बार भी पेपर खांडू आ रहे हैं। अपना पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, इसमें हम लोग क्लेम नहीं करता है। अभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो पार्टी अपना एक प्रोसेस होता है, वहां से एक सीनियर व्यक्ति को यहां भेजेंगे, इसके बाद पार्टी जो डिसाइड करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। स्टेट क्लेम अभी क्योंकि एमपी का वोट 4 तारीख को काउंटिंग होने के बाद तो भी हमारा जितने भी जो जीते हुए एमएलए हैं वो लोग इटानगर आएंगे, तो आने के बाद पार्टी फिर अपना प्रोसेस होगा, उसमें अपना बीजेपी के लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग होने के बाद तब जाके स्टेट क्लेम करेंगे। देखिए मैंने कहा कि बीजेपी एक बहुत ही एक डिसिप्लिन पार्टी है, ये अन्य पार्टी का जिससे नहीं है। इसमें पार्टी जो निर्णय लेता है उसको हम लोग फॉलो करना होता है, इसमें कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी सीएम के उम्मीदवार जी। ये निर्णय कब तक हो जाएगा? जैसे कहा हमने 4 तारीख का बाद ही, क्योंकि एमएलएस को आना होता है और एमएलएस का एक ऑफिशियल मीटिंग बैठना होता है, तो उसमें एक सीनियर व्यक्ति भी बैठेंगे पार्टी की ओर से। सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द थम्पिंग विक्टोरी इन द स्टेट, बट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट फ्यू ऑफ योर मिनिस्टर्स आल्सो फेस्ड द लॉस इन द इलेक्शन लाइक प्रभा देवी सर, सो व्हाट कुड बी द रीजन दैट बीजेपी कैंडिडेट आल्सो लूजिंग इलेक्शन डिस्पाइट द यू नो कुछ कुछ क्षेत्र में देखिए अभी वहाँ के लोकल डायनामिक्स अलग होते हैं। आप सब भी जानते हैं कि यहाँ ट्राइबल पॉलिटिक्स में कहीं कि अपना क्लैन बेस भी हो जाता है, तो इस प्रकार करके कहीं कहीं हम लोगों को हार का भी देखना पड़ा। मगर सेइंग सो पार्टी के लिए आने वाला दिनों में अच्छा रहेगा, भले ही कुछ सीटों में हमारा एमएलए हार गया है पार्टी का, मगर अपना एमपी वोट में आप लोग देखिएगा कि पब्लिक लोग
पूरा एमपी में अच्छा से दोनों सीट में ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में एमपी में ही डालेंगे। राइट नाउ आई कान कमेंट ऑन दिस बिकॉज बीजेपी इज अ वेरी डिसिप्लिन पार्टी सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट देन ओनली इट कैन बी डिसाइडेड। Your ally partners have also won. So will you take them also on board in your government? अभी तक पार्टी का ओर से कुछ अभी बाकी जो पार्टी का उम्मीदवार जिन्होंने जीता है कुछ ऐसे मैसेज तो आया नहीं है दैट पार्टी विल टेक ए कॉल। अभी इनिशियली कैंपेन के समय में आप लोग ने कहा है कि जो अलाइंस जो पार्टीज है जैसे कि नॉन बीजेपी पार्टी को जितना फंड मिलेंगे जो पार्टी के थ्रू से मिलने वाला तो वो नहीं मिल पाएंगे बोले तो वो अबाउट अभी जो कहते हैं कुछ अलग पार्टी नॉन बीजेपी कैंडिडेट भी जीते हैं तो व्हाट यू हैव टू से? नहीं, जहाँ जहाँ जरूर पार्टी का टिकट को जीत हासिल तो नहीं हुआ मगर डेवलपमेंट के दृष्टि से देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसे मैंने कहा कि 2019 में भी 41 सीट से जीता यानी कि 19 सीट में 2019 में हार गया तो इस बार हम लोगों का सीट बढ़ के अभी हो गया है 46 तो 14 सीट में बीजेपी हारा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट उस 14 सीट में नहीं होगा, वो सरकार का रिस्पॉन्सिबल होता है, सरकार सबका होता है, डेवलपमेंट जरूर करेंगे। Sir, what about your views about Congress party? They have restricted Congress party for one seat, I understand. ये देखिए अभी जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में इसमें मैं हल्का सा पीछे कुछ मैं लेके जाना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लंबा समय तक कांग्रेस ने रूल किया है तो इसमें देखिए कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक करप्ट सिस्टम एक यूनिट बना के रखा उन्होंने दिल्ली में जो बैठने वाला कांग्रेस के लीडर्स उस वक्त में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काम करवाना हो तो पैसा वहां दिए बिना यहाँ काम होता नहीं था। बीजेपी आने के बाद अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में आज जो वोटिंग का काउंट का जो रिजल्ट आया है उसको देखिए और बाकी नॉर्थ ईस्ट का राज्य में भी देखिए बीजेपी का प्रति काफी लाइकिंग है क्योंकि बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस सो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट को देखते हुए तो पूरा बीजेपी का साथ दे रहा है और कांग्रेस का तो देखिए अभी पूरा जड़ से उखड़ दिया है यहाँ पे केवल आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल एक में ही उन्होंने जीत दर्ज कर पाया है। इससे साफ इंडिकेशन है कि देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश। सीएम साहब इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि एक महिला मंत्री आपकी कैबिनेट में आएगी? इसमें मैंने कहा कि फिलहाल क्योंकि अभी हम लोगों का गवर्नमेंट नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन में टाइम लगेगा तो इसका निर्णय बाद में पार्टी जो निर्णय लेगा उसका हिसाब से हम लोग करेंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 46 अभी जैसे 2-4 तारीख को इसकी वोटिंग होगी तो उसमें क्या उम्मीद है कि दोनों सीटों में अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में देखिए दोनों हमारे जो उम्मीदवार है श्री किरण जी यहाँ वेस्टर्न से और तपिर गांव जी ईस्टर्न से दोनों अच्छा मार्जिन से जितना तय है ये बीजेपी दोनों सीट बीजेपी में ही जाएंगे। खांडू साहब जब कैंपेन शुरू हुआ था तो बीजेपी एक टारगेट लेकर चल रहा था जैसे दिल्ली वाला करता है 400 पार ऐसा करके अरुणाचल में 50 पार करके एक नारा लेकर चल रहा था तो कहाँ चुक हो गया सर? लोकल डायनामिक इशू था या पार्टी का जो कैंपेन जो कमी रह गया कहीं पर? देखिए हम लोग चाहे लाइफ में कुछ भी कार्य करते हैं तो अपना एक टारगेट हम लोग सेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि टारगेट को हम लोग 100% अचीवमेंट लाइफ में तो होता नहीं है तो जो भी वो एक प्रोफेशनलिज्म में एक प्रोफेशन में पार्टी का भी अपना एक लक्ष्य होता है ताकि अपना कार्यकर्ता उस हिसाब से काम करे तो 50 का लक्ष्य हम लोग ने रख के तो हम लोग ने काम किया और बहुत क्लोज हम लोग पहुंच पाया है 46 तक तो हम लोग आ गया है। 2016 से हम लोग देख के जा रहे हैं पेमा खांडू जो बोलता है करता है इस बार भी कुछ कमाल करेगा होगा अरुणाचल के लिए हम अभी ऑलरेडी पार्टी की ओर से हम लोग ने संकल्प पत्र ऑलरेडी मैनिफेस्टो हम लोग ने रिलीज चुनाव दौरान में हम लोग ने किया हुआ है। आने वाला भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चलेगा उसी दिशा में चलेंगे हम लोगों का जो संकल्प पत्र है उसका आधार पर हर एक सेक्टर्स में हम लोग काम करेंगे ये बीजेपी पार्टी का ये वादा है। अभी देखिए 4 तारीख को पता चलेंगे देश के जनता जो फैसला करेंगे उसको हम लोग पूरा सर झुका के नमन करके एक्सेप्ट तो करना ही है। सर वन मोर क्वेश्चन कुछ लोगों ने जो बीजेपी की टिकट नहीं मिले वो लोग अलग पार्टी से कंटेस्ट किया तो ड्यूरिंग द कैंपेन यू आर मेंशनिंग दैट देयर इज नो प्लेस फॉर अदर पार्टीज एक्सेप्ट बीजेपी लेकिन अब ये वो लोग तो जीत गए तो उन लोगों की कहना कि फिर भी दिल है बीजेपी फिर भी दिल है पेमा खांडू तो आप उन लोगों को शामिल करेंगे और फिर से दोबारा अपोजिशन लेस गवर्नमेंट होंगे? ये आज जो 60
कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का जो 46 जीत हुआ, इसके अलावा जो अन्य जो पार्टी अलग अलग पार्टी वेरियस रीजनल पार्टीज में अराउंड 14 सीट जो गया है, तो ओरिजिनली तो वो लोग भी बीजेपी का ही था, सीट टिकट नहीं मिला, कुछ लोग ने छोड़ के फिर अलग पार्टी में जाकर टिकट ले लिया। मगर देखिए पॉलिटिक्स इज एन प्रोफेशन, सो भारतीय जनता पार्टी काफी एक मेच्योर पार्टी है और बहुत एक प्रोफेशनल एक पार्टी है। तो इस प्रोफेशनल पार्टी में ऐसे नहीं होते कि आपका मन चाहा जॉब चाहे छोड़ के चला जाओ, जॉब चाहे फिर आके ज्वाइन कर लो। तो ये इससे क्या होता है कि अपना पार्टी का डिसिप्लिन भी खराब होता है। तो ऑलरेडी पार्टी का ये निर्णय पहले से ही लिया हुआ है कि अलग अगर कोई भी दूसरा पार्टी से जीत के आएंगे उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। एक न्यूज चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी हुआ उसको लेके बैक टू बैक, जहाँ पे बीजेपी का जो एक्चुअली बीजेपी मंडल ने एलिगेशन दिया था कि वहाँ पे केस फॉर जॉब स्कीम वोट फॉर केस फॉर वोट हो रहा है बोल के एलिगेशन दिया था एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके। तो वहाँ पे अभी SIC केस अभी SIC अंडरटेक कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है एज पर SIC। तो ऐसे लाइक हाउ डू यू हैव टू से ऑलवेज कि इसमें ऑलरेडी बीजेपी ने ऑलरेडी कंप्लेन को दर्ज किया है, तो उस कंप्लेन को देखते हुए सरकार ने ऑलरेडी मैटर को SIC में हम लोग ने हैंड ओवर कर दिया है। सो जॉब फॉर वोट का जो सिलसिला है ऑलरेडी मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सरकार की ओर से। मैं आप सभी जो मीडिया दोस्तों आप सभी को ये बोलना चाहेगा कि इसमें जो भी कल्प्रिट है उसको एज पर नॉर्म्स उसको सजा भी जरूर मिलेंगी।